भारत के बांग्लादेश से मैच जीतने के बाद पाकिस्तान ने लगाया बड़ा आरोप और भारतीय फैंस हुए गुस्से से लाल। और पाकिस्तान भारत पर इतना भयंकर आरोप कैसे लगा सकता है, सारी जानकारी अभी वीडियो में आगे जानेंगे, तब वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आप विराट कोहली के जबरे वाले फैन हैं तो वीडियो को फटाफट लाइक कर लीजिए। पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट ने एडिलेड में बांग्लादेश के खिलाफ भारत की 5 रन की जीत के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC पर गंभीर आरोप लगाया है और जिसका पूरा पाकिस्तान पूरे जोर शोर से समर्थन कर रहा है। आखिर पाकिस्तान को इतनी मर्जी भारत से क्यों लगी है, आइए जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 में एशियाई टीमों के मैचों के दौरान कुछ घटनाओं के बाद अफरीदी ने ICC पर सवाल खड़े किए हैं। सबसे पहले नो बॉल के लिए स्क्वायर लेग एम्पायर की ओर कोहली के लेस्टर ने हंगामा खड़ा कर दिया है। इस घटना के बाद बांग्लादेश के कप्तान साकिब अल हसन ने भारतीय बल्लेबाजों के पास जाकर देखा। भारत बनाम बांग्लादेश मैच की दूसरी पारी में बारिश ने कुछ देर के लिए खेल को रोक दिया था। मैच के फिर से शुरू होने से पहले साकिब को अंपायरों के साथ बात करते हुए देखा गया था। बाद में उन्होंने खुलासा किया कि यह संशोधित खेल परिस्थितियों के बारे में बातचीत थी। साथ ही विकेटकीपर बल्लेबाज नरुल हसन ने बारिश से पहले भारतीय टीम के फेक फील्डिंग के प्रयास की ओर इशारा किया था। और यहीं से शुरू होता है असली विवाद, जिससे पाकिस्तान भारत पर आरोप लगाने लगता है। और आपको बता दें, पाकिस्तान का ये काली करतूत यहीं पर नहीं रुका और अब शाहिद अफरीदी ने भी पाक जर्नलिस्ट के आरोप में उसका साथ दिया है और उन्होंने कहा कि ICC भारत के लिए पक्षपात कर रहा है। पाकिस्तान के समा TV शो में बोलते हुए जर्नलिस्ट ने कहा, साकिब अल हसन भी यही कह रहे थे और वो स्क्रीन पर भी दिखाया गया है, आपने देखा कि जमीन कितनी गीली थी, लेकिन ICC का झुकाव भारत की ओर है। वे यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि भारत किसी भी कीमत पर सेमीफाइनल में पहुंचे। अंपायर भी वही थे जिन्होंने भारत बनाम पाकिस्तान की अंपायरिंग की ओर उन्हें सर्वश्रेष्ठ अंपायर का पुरस्कार मिलना चाहिए। और दोस्तों, आप देख सकते हैं पाकिस्तान के शो में कैसे सरासर भारत पर आरोप लगाया जा रहा है। और वहीं आपको बता दें, शाहिद अफरीकी ने दावे का जवाब दिया, इसके साथ ही उन्होंने लिटन दास की तारीफ भी जमकर की है। लिटन दास ने रन आउट होने से पहले 27 गेंदों में 60 रन बनाए थे। उनके आउट होने के बाद बांग्लादेश ने अपना लय खो दिया और उसके 6 विकेट 40 रन पर गिर गए। और अफरीदी ने यह भी कहा कि मुझे पता है कि क्या हुआ है, कितनी बारिश हुई है, यह देखने के बाद खेल ब्रेक के तुरंत बाद फिर से शुरू हो गया और इसके बाद खिलाड़ियों पर दबाव आता है, उसमें कई कारक शामिल होते हैं, लेकिन लिटन दास की बल्लेबाजी अद्भुत थी, उन्होंने सकारात्मक क्रिकेट खेला। 6 ओवर होने के बाद हमें लगा कि अगर बांग्लादेश ने 2-3 ओवर तक विकेट नहीं गंवाए होते तो वे मैच जीत जाते। कुल मिलाकर बांग्लादेश की फाइट शानदार थी। और शाहिद अफरीदी यहीं पर नहीं रुकता है, उसने कहा, बारिश ने खेल की परिस्थितियों में संशोधन के लिए मजबूर किया। बारिश के बाद बांग्लादेश को 16 ओवरों में 151 रनों का पीछा करने की जरूरत थी। बांग्लादेश डकवर्ड लुइस नियम के अनुसार बारिश से पहले खेल में 17 रन आगे था और खेल की बहाली होने के बाद उन्हें 85 रन की जरूरत थी, लेकिन ब्रेक के बाद लिटन दास रन आउट हो गए और इसके बाद बांग्लादेश का बल्लेबाजी लाइनअप ढा गया। भारतीय गेंदबाजों ने चौंकाने वाली वापसी करते हुए विरोधियों को 145 पर 6 विकेट पर रोक दिया। और पाकिस्तान और बांग्लादेश का शायद इसलिए भी नाराज होना है क्योंकि भारत अब शीर्ष ग्रुप अंक तालिका में शीर्ष पर है और वे लगभग सेमीफाइनल में हैं। और रविवार को जिम्बाब्वे के जीतने के बाद भारत सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर लेगा। बाकी गाइस, आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताएं।